वैसे दोस्तों, अगर आप मुझसे इस टाइम पर पूछोगे कि 10,000 रुपये की प्राइस में सबसे ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन कौन सा है, तो मैं आपको एक ही स्मार्टफोन के बारे में बताना चाहूँगा, वो है Redmi Note 8। जी फ्रेंड्स, ये स्मार्टफोन हाल ही में लॉन्च हुआ है। 21 अक्टूबर को इसकी जो पहली सेल हुई थी वो अमेजोन पर हुई थी। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहां से चेक कर लेना है इसकी नेक्स्ट सेल कब होने वाली है। ये स्मार्टफोन 10,000 रुपये की प्राइस में क्यों अच्छा है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। इसमें 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेंसर दिया गया है। जो फ्रेंड्स, वैसे Redmi Note 8 का बड़ा भाई Redmi Note 8 Pro भी आया है, वो 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरे के साथ आया है। वैसे दोस्तों, हमने Redmi Note 8 Pro पर एक वीडियो बनाई है, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। अगर आप Redmi Note 8 Pro को लेकर के इंटरेस्टेड है 64 मेगापिक्सल स्मार्टफोन को लेकर के, तो जाकर के उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Redmi Note 8 के बारे में, ये स्मार्टफोन 10,000 रुपये की प्राइस में क्यों अच्छा है और आपको ये स्मार्टफोन क्यों लेना चाहिए, सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल में। जब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.3 इंच की नॉच डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, और ये डिस्प्ले आपको वही डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि Redmi K20 में यूज हुई थी, तो वो आया था 25-26 हज़ार रुपये में, और वही डिस्प्ले आपको 10,000 रुपये में मिल रही है देखने को, तो कमाल की बात है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें आपको कोरनिंग गोरिल्ला ग्लास 5K प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है डिस्प्ले के साथ ही। अगर मैं आपको यहाँ पे बैक की बात करूँ, तो यहाँ पे बैक में आपको देख पा रहे हैं जैसे कि 4 कैमरे साइड में दिए गए, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बैक में भी आपको यहाँ पे कोरनिंग गोरिल्ला ग्लास 5K प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। बैक और फ्रंट दोनों में ही आपको गोरिल्ला ग्लास 5K प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे आप बैक में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको फिजिकल टच वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, और हाँ, आपको इस स्मार्टफोन में फेस अनलॉक का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो डिज़ाइन और डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा कमाल के, ये आपको पता है डिज़ाइन सारी की सारी स्मार्टफोन की तरीके से आ रही है। Redmi Note 7 Pro आया था उसमें भी ऐसी थी, और Redmi Note 8 में भी ऐसी डिज़ाइन दी गई है, दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। इसको आप ओशियन ब्लू कहिए या कुछ भी कहिए, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको चीज़ और बता दूँ, ये स्मार्टफोन आपको 2 वेरियंट में देखने को मिलेगा, 4GB, 64GB, 6GB, 128GB। कमाल की बात यह है कि इस स्मार्टफोन में आपको माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, तो जरूरत पड़ने पर आप अपने मेमोरी कार्ड को एक्सपेंड भी कर पाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपके चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जो उसे प्रेस करो, और हाँ, और भी क्लिक करना ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए जैसे वीडियो को अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी आपको देखने को मिलेगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि 18W का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के साथ ही देखने को मिलेगा। वैसे जितने भी Xiaomi के फोन होते थे उसमें चार्जर साथ नहीं आता था बॉक्स के, लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको 18W का फास्ट चार्जर बॉक्स के साथ ही देखने को मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से कमाल की चीज़ है, आपके फोन को बहुत जल्दी चार्ज करके देगा। और दोस्तों, जैसा कि पता है इस टाइम पर सारे लोग गेम वेम खेलते हैं, तो उन्होंने परफॉर्मेंस को भी ध्यान में रखा है, इसीलिए उन्होंने इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 665 चिपसेट डाला है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है, आपके फोन को बिल्कुल भी हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। और दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि लोग मोबाइल खरीदते हैं तो सबसे ज़्यादा उसका कैमरे के ऊपर फोकस करते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसमें बैक में 4 कैमरे दिए गए हैं। 48 मेगापिक्सल का इसमें प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का इसमें आपको माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, और एक और लास्ट 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इसके आप रियर कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, नाइट मोड फीचर्स भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं बात करूं यहां पे इसके फ्रंट कैमरे की, तो 13 मेगापिक्सल का इसमें आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, ओवरऑल सेल्फी भी आपकी ज्यादा कमाल की आने वाली है। वैसे दोस्तों, कैमरे को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे इसमें फीचर्स डाले हैं, क्वाड कैमरा 48 मेगापिक्सल का। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसमें आपको सोनी के सेंसर देखने को नहीं मिलेंगे, सैमसंग का इस बार इसमें सेंसर यूज हुआ है कैमरे में। और दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही प्राइस बता चुका हूं, इसकी 4GB 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस रखी गई है वो 9,999 रुपये रखी गई है, वही 6GB 128GB वाले वेरिएंट की जो कीमत रखी गई है वो 12,999 रुपये रखी गई है। तो मैं आपको जरूर से सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसका 10,000 वाला वेरिएंट ले लें 4GB 64GB वाला, क्योंकि इसमें आपको माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी मिलता है, तो जरूर करने आप उसको एक्सपेंड कर पाएंगे।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं 10,000 रुपये की प्राइस में ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है इस टाइम पर। अगर आपके हिसाब से नहीं है तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि क्यों नहीं है। चलो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको Redmi Note 8 की सारी जानकारी मिल गई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे बने हुए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड टाइम।